hello friends welcome to our channel today in this video i am going to provide you 65 most important current affair of august month in mcq format and one more important thing guys hope you are completing the daily given topics by me on telegram and on youtube community post guys these topics are very important the motive of providing this topic is just to you know continue your study uh, so that you can uh, you have to you know continue study till your exam because uh, by doing this uh, you may not face any trouble uh, near by your exam because daily you know regular study is important it means कम पढ़ो लेकिन daily पढ़ो okay आप खुद भी अपना कोई भी एक topic decide कर सकते हो एक या दो topic जो आपको उस दिन में cover करना है okay and it is very benefit for you because at the end or at the nearby your exam you can easily revise your all syllabus very easily okay so you have to prepare daily so start karte hain august important current affair so starting with the most highlighted news of august month that is neeraj chopra so which day will be observed as javelin throw day in india to honor neeraj chopra's first historic olympic gold सो नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जावलिन थ्रो में ऑन अगस्त सेवन द वाई एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफ आई डिसाइडेड टू नेम अगस्त सेवन एज जेवलिन थ्रो डे सो so, जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड टुडे टूडे फ्रॉम सेवंथ अगस्त ओके सो जेवलिन थ्रो सेवंथ अगस्त ना ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड जो, जो चोपड़ा है इज़ अ नीरज चोपड़ा इज अ सूबेदार इन इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी के फोर्थ राजपूता राइफल्स में और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं सो जेवलिन जेवलिन थ्रो डे अब सेवेंथ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा टू ऑनर नीरज चोपड़ा ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विच इज द हाईस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया हैज़ बीन रीनेम्ड टू ऑनर विच इंडियन स्पोर्टिंग लीजेंट सो हॉकी विजार्ड एंड हॉकी मजिशियन दैट इज ध्यानचंद सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज ध्यानचंद अवार्ड सो वेरी इम्पॉर्टेंट ओके बिकॉज हाइएस्ट अवार्ड है तो ये पूछ सकते हैं सो मेजर ध्यानचंद वॉज एन इंडियन हॉकी फील्ड प्लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज आपके एम एन एस एग्जाम में ये क्वेश्चन तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट पूछ सकते हैं अगर मिलिट्री ऑपरेशन से कोई ऐसा इवैकुएशन ऑपरेशन से क्वेश्चन आया तो So, what name has Indian given to the operation to evacuate citizens from Afghanistan? सो द इंडियन एवैकुएशन मिशन फ्राम अफ़गानिस्तान नेम डपरेशन देवी सक्ति सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑपरेशन देवी सक्ति इज़ द नेम गिवन बाय द इंडिया टू अवैकुएट सिटीजन फ्राम अफग़ानिस्तान आफ्टर द तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल एंड द फॉल ऑफ द अफ़ग़ानिस्तान गवर्मेंट बिकॉज अफग़ानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हट गई अब तालिबान ने पूरे अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है कैपिटल है अफ़ग़ानिस्तान की काबुल एंड करेंसी है अफ़ग़ानी ओके okay? सो ऑपरेशन देवी शक्ति यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर हु वॉज द इंडियाज फ्लैग बियर एट टोक्यो पैरा ओलिपिक ओपनिंग सेरेमनी अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज बिकॉज पहले जो पैरा ओलिपिक ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियर थे वो आ, मरियप्पा थंगवेलू थे जो कि एक हाई जंप है पैरा एथलीट्स में लेकिन ये जो है कोविड नाइन्टीन पर्सन पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गए थे तो इसलिए जो फ्लैग बियर हैं वो मरियम्पथ हंगवलू से किसको बना दिया गया अब तेगचंद को सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तेग क्या है ये एक जेवलिन थ्रोअर है पैरा ओलंपिक्स में एंड मरियम्पाथ हंगवली ये जो है वो हाई जंप से रिलेटेड है ओके okay? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में सो so, अब क्वेश्चन पूछेंगे अगर पूछेंगे कि फ्लैग बेयर कौन है इंडिया की तरफ से टोक्यो पैरा ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेग चंद नॉट मरियप्पा थेंगे ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वट वॉज द नेम ऑफ द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स सो जो टोक्यो ओलंपिक है उसका मस्कट है मिरा मिराई टोवी एंड पैरा ओलंपिक का है सोमेटी ठीक है तो पैरा ओलंपिक का सोमेटी एंड जो टोक्यो ओलंपिक का है वो है मिराई टोवा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कंट्री हैज़ बिकेम द सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना सो द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब जो कंट्री है दैट इज इंडिया आफ्टर चाइना सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सेकेंड नंबर पर पहले यूएसए थी बट इंडिया सरपास्ड यूएसए नाउ सेकेंड नंबर पर है इंडिया ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन विच डे इन अगस्त इज ऑब्जर्व एज वुमेन्स इक्वालिटी डे so women's equality day is celebrated on 26th of august. women's equality day 26th of august and 29th of august is celebrated as national sports day to commemorate the Anjan. next is question number 8. who is the supreme leader of taliban since 2016? because taliban took over afghanistan. so that's why this is important. supreme leader of taliban is. option b is the correct answer. मौलवी हिबायतुल्ला अकुनजादा ज़ादा ओके सो यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड हिबायतुल्ला ज़ादा सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन चूजन एज द ब्रांड एवेजडर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स देश के मेंटोर्स प्रोग्राम नाउ आपको ब्रांड एम्बेसिडर याद करने की ज़रूरत नहीं है बस आपको ये याद रखना है कि देश के मेंटोर जो प्रोग्राम है वो किस स्टेट uh, या यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट किया है तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली ओके okay? वैसे इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सोनू सूद सो दिल्ली गवर्नमेंट विल सून लॉन्च द देश के मेंटोर्स प्रोग्राम टू मेक एजुकेशन पीपल्स रेवोल्यूशन देश के मेंटोर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय दिल्ली दैट्स इट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक बैटल फील्ड इनमें से किसने बेटल बुक लिखी है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विश्वराम बेडकर सो so विश्वराम बेडकर की ये बुक है बेटल ओके नाउ द कपिल शर्मा स्टोरी बेस्ड ऑन कपिल शर्मा ये जो बुक है जो कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है सॉरी कॉमेडियन है कपिल शर्मा उन पर बेस्ड है ये स्टोरी ये बुक लिखी है अजिताभ बोश ने सो so अजिताभ बोश की ये बुक है द कपिल शर्मा स्टोरी बेस्ड ऑन कपिल शर्मा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस्माइल सबीरी याकूब हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन सो इनमें से किस नेशन के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं इस्माइल सबरी याकूब सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मलेशिया ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मलेशिया की कैपिटल है क्वा लमपुर करेंसी है रिंगगेट एंड मलेशिया के साथ जो इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्सरसाइज हरिमो शक्ति एक्सरसाइज हरिमो शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच कंट्री टेस्ट फायर्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल सर्फेस टू सर्फेस बेलिस्टिक मिसाइल गजनवी सो so, ये सारी मिसाइल्स हैं पाकिस्तान से गजनवी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है साहिन वन ए एंड बाबर जो है वो क्रूज मिसाइल है तो ये तीनों मिसाइल्स जो है वो पाकिस्तान की हैं गजनवी साहिन वन ए एंड बाबर थ्री मिसाइल बिलोंग्स टू पाकिस्तान सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर पाकिस्तान पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद एंड करेंसी है रूपी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु आर द विर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ओडिया एंड मलयालम साहित्य अकादमी अवॉर्ड रिस्पेक्टिवली नौ ये इंपॉर्टेंट याद करना नहीं है कि ओडिया और मलयालम के लैंग्वेज में किसको दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड बस आपको ये याद रखना है कि 2020 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये किसको दिया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यशोधरा मिश्रा एंड ओमचेरी एन एन पिल्लई सो so यशोधरा से याद रखो यशोदरा को मिला है और पिल्लई ये दो पर्सन हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दो से ऑनर किया गया है ओके okay? ना हु गॉट द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड बिकॉज जो एम एन एस में एग्जाम है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनते हैं तो पहला जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो किसको दिया गया है आर के नारायण को एंड जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये दो हज़ार उन्नीस में क्वेश्चन पेपर में आया था आपके एम एन एस में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेयर इज इंडिया वेरी फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनागरेट किया गया है जो सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पर इनाग्रेट किया गया है सो so, ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के पास में इनागरेट किया है एट करनाल सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर करनाल लेक रिजॉर्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट टू लॉन्च सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन इट्स मोटरवेज सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी यूके ब्रिटेन ने ये लॉन्च किया है सेल्फ ड्राइविंग कार्स जिसके ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये नॉर्मल रोड्स पर नहीं बनेंगी इनके इनके लिए एक सेपरेट मोटरवेज होंगे जिनमें ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स ही चल सकती हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ब्रिटेन कैपिटल है लंदन एंड करेंसी है पाउंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंडिया एंड विच कंट्री फर्स्ट COVID study has been awarded the Guinness World Records title for the world's largest scientific collaboration. World's largest scientific collaboration. For the COVID study, so COVID study ke liye, world's largest scientific collaboration kiya hai, India and UK na, and this got the Guinness World Record. So option D is the correct answer, Britain. So, worldwide COVID 19 study led by UK experts and conducted at Indian hospitals among other around the world has been awarded the Guinness World Record. Title for the world's largest scientific collaboration involving over 140,000 patients in 116 countries. ओके सो यूके एंड इंडिया को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स दैट इज बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो डायरेक्टर जनरल हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फोर्स इज इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये बी एस एफ ड्यूटी देती है सो so, इसके जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज पंकज कुमार सिंह ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन हुज वन हंड्रेड एंड इलेवेंथ बर्थ एनिवर्सरी वॉज कमोमोरेटेड ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्सथ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन को जो बर्थ एनिवर्सरी है वो है ऑप्शन ए मदर टेरेसा की सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर मदर टेरेसा जो बिलोंग करती हैं वो है स्कॉपजे से स्कॉप्जे अब नेशन नहीं है बट ये पहले ऑटोमन एम्पायर मतलब यूरोपियन नेशंस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक जगह थी तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हु अमंग द फॉलोविंग हैज़ ऑथर्ड द बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सो दिस बुक इज रिटिन बाय सुधा मूर्ति सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द बुक सुधा मूर्ति बुक रिटन द हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेम साइक्लॉन तावते हेज़ बीन गिवेन बाई विच कंट्री ताउते जो साइक्लॉन है वो नियर दियू के पास ऑब्जर्व किया गया था और ये जो ताउते नेम है वो किसने दिया है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर म्यन्मार ओके सो ताउते इज़ द नेम गिवन बाय म्यन्मार सो एक और जो साइक्लोन आया था उड़ीसा के अंदर दैट इज यास और ये यास जो नाम है वो दिया है ओमान ने ठीक है so, सो ओमान जो नेम है दैट इज गिवन बाय सॉरी यास इज द नेम गिवन बाय ओमान एंड ताउते इज द नेम गिवन बाय म्यांमार ठीक है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो टोक्यो ओलंपिक हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी के वो जापान में हुए थे और जो अपकमिंग अब जो नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ये कहाँ होंगे सो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड हर साल हर चार साल बाद ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाते हैं सो so, अब जो नेक्स्ट होंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में वो होंगे पेरिस में पेरिस के बाद टू थाउजेंड ट्वेंटी एट में ये होंगे लॉस एंजल्स यू एस ए में ओके okay? नेक्स्ट एज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कौन सा सीरीज इंट्रोड्यूस किया है सो दिस का करेक्ट आंसर है भारत सीरीज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर भारत सीरीज ऐसे इसका नेम प्लेट होगा भारत सीरीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए नितिन गडकरी तो यूनियन मिनिस्ट्रीज भी चेंज हुई हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ही आपको लर्न रखनी है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन सो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी सुधर सुभद्रा सुभद्रा सेन गुप्ता सुभद्रा सेन गुप्ता ये जो सुभद्रा सेन गुप्ता हैज़ रिटन ओवर फोर्टी बुक्स फॉर चिल्ड्रेंस बिकॉज शी थिंग्स दे आर द बेस्ट रीडर्स इन द वर्ल्ड तो इन्होंने फोर्टी से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं चिल्ड्रेंस के लिए ओके सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सुभद्रा सेन गुप्ता नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच सिटी इज एट द टॉप ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सेफ सिटीज इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट तो 2021 के लिए जो सेफेस्ट सिटीज़ है वर्ल्ड के अंदर उनमें से सेफेस्ट सिटी कौन सी है सो so इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इंडेक्स इज टॉप बाय सो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कॉपेगन इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया से फोटी नंबर पर है न्यू दिल्ली ओके लास्ट नंबर पर है यागून सो so आपको सिर्फ टॉप याद रखनी है कॉपिनैगन कॉपिनेगन टॉप्स द रैंकिंग दिस ईयर विद स्कोर ऑफ एट्टी टू पॉइंट फोर आउट ऑफ हंड्रेड डेनमार्क की जो कैपिटल है कॉपिन हैगन एंड इसकी करेंसी है क्रोन सो डेनमार्क की सिटी कॉपिन हैगन एज द टॉप इन सेफेस्ट सिटी दिस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज सेट टू ओपन इन विच सिटी इस व्हील से आप पूरे दुबई को देख सकते हो इतना ही टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द टॉलेट ऑब्जर्वेशन व्हील विल ओपन इन यू ऑन अक्टूबर ट्वेंटी द टॉलेस्ट लैंडमार्क टू जॉइन दुबईज लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग अट्रैक्शंस यू की जो कैपिटल है दुबई सॉरी आबूधाबी है और करेंसी है दिरहम यहाँ पर गलत यह एंड किंग ऑफ़ यू ए है, है खलीफ़ा बिन जायेद अल नाहर जो जायेद मेडल है वो पी मोदी को भी दिया गया था तो ऐसे भी आप लर्न रख सकते हो टॉलेस्ट बिल्डिंग जो दुबई के अंदर है दैट इज़ बुर्ज खलीफा ये आपके एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी में टू थाउजेंड नाइनटीन में यह क्वेश्चन पूछा गया था टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड सो टॉलेस्ट फर्स्ट एंड लास्ट से क्वेश्चन आपके एम एन एस में ऑब्वियसली बनते हैं नेक्स्ट एज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल एक्सेलरेटिंग इंडिया सेवन ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट एक्सेलरेटिंग इंडिया सेवन ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के जे अल्फोंस नेक्स्ट हैज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेयर हैज़ कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर हैज़ बीन इनागरेटेड रिसेंटली तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया का पहला स्मोक टावर ये कहाँ इनागरेट किया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दिल्ली जहाँ पर पॉल्यूशन स्मोक ज़्यादा है वहीं तो ये टावर ओपन किया जाएगा नेक्स्ट हैज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वॉट इज इंडियाज़ पोजिशन इन टोक्यो ओलंपिक्स इंडिया की पोजिशन क्या है टोक्यो ओलंपिक में तो टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया की रैंकिंग है दैट इज़ फोर्टी एट सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टॉप किया है यू एस ए ने सो ऑप्शन फर्स्ट पर है फर्स्ट पर है यू एस ए सेकेंड है चाइना एंड थर्ड है जापान यू एस ए ने टोटल थर्टी नाइन गोल्ड मेडल्स जीते हैं थर्टी एट चाइना ने ट्वेंटी सेवन ने इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं एक बाय नीरज चोपड़ा ठीक है so, सो इंडिया की पोजीशन है फोर्टी एट टोटल मेडल्स भी आपको याद रखने हैं इंडिया ने जो टोटल मेडल्स जीते हैं टोक्यो ओलम्पिक में दैट इज सेवन सेवन गोल्ड सेवन सॉरी सेवन टोटल ओवरऑल मेडल्स जीते हैं जिसमें एक गोल्ड है दो सिल्वर हैं और चार ब्रॉन्ज हैं तो टोटल सेवन मेडल्स जीते हैं इंडिया ने नंबर वन में आपको याद रखना है यू नंबर सेकेंड चाइना नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पद्मश्री अवॉर्डी बी वी निम्बकर हु पास्ड अवे वॉज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोविंग बी बी निम्बकर ये किससे रिलेटेड है एग्रीकल्चरल तो साइंटिस्ट थे ये ऑप्शन इज द आंसर ओके महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी हु हैज़ बुक टाइटल्ड बालाकोट एयर स्ट्राइक इंडिया हाउ इंडिया अवेंस्ट पुलवामा सो ये जो बुक है दैट इज बेस्ड ऑन बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंस्ट पुलवाना पुलवामा पुलवामा आपको पता है कि फोर्टीन फ़रवरी 14 फरवरी को 2000 आई थिंक uh, 2019 थाउजेंड yes. 14 फरवरी 2019 को 30 सीआरपीएफ आर पी वर किल्ड इन द टेरर अटैक इन पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है उसके बाद इसको इसको अवेंच लेने के लिए बदला लेने के लिए एयर फोर्स के जो फाइटर जेस जेट थे दैट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड डिस्ट्रॉय द टेरर लॉन्च पैड्स इन बालाकोटा सॉरी बालाकोट पाकिस्तान में ऑन फेबररी ट्वेंटी सिक्स सो ये जो बुक है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आपने न्यूज़ भी देखी थी कि जो विंग कमांडर हैं अभिनंदन अभिनंदन वर्धमन ये मिग ट्वेंटी वन वहाँ पर क्रैश हो गया था लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे मतलब एल क्रॉस कर ली थी और पाकिस्तान ने इन्होंने इनको कैप्चर कर लिया था उसके बाद दो दिन बाद इनको दोबारा छोड़ भी दिया गया था और इसी इन्हीं पर ये बुक बनी है बालाकोट एयर स्ट्राइक पर और इनको वीर चक्र भी दिया गया था ठीक है बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय इंडियन आर्मी सो ये जो वीर चर, वीर चक्र है वो दिया गया था विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमन को ओके फोर्टी सी जो पर्सनल है वो शहीद हो गए थे पुलवामा टेरर अटैक में चौदह फरवरी को और अवेंच लेने के लिए सोलह फरवरी टू थाउजेंड नाइनटीन को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी सो so, ये जो बुक है वो लिखी ऑप्शन ए मनन भट्ट ने ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट Next is question number 31. Who is the writer of the book titled in an, ideal, in an Ideal World? So the correct answer for this question is option A, Kunal Basu. Novelist Kunal Basu's famous novelist hai, in ki ye book hai, in an ideal world. Next is question number 32 Who will be the first female power lifter to represent India at the Paralympics? So the correct answer for this question is सकीना खातून ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इंडिया सकीना खातून मेज द कंट्री प्राउड बाय विनिंग द सिल्वर इन पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप इन दुबई फोर्टी फाइव के जी कैटेगरी विद द लिफ्ट ऑफ एट्टी के जी वेट सो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है सकीना खातून ने नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बाय ऑन द ओकेजन ऑफ सेवेंटी फ़िफ्थ इंडिपेंडेंस डे इंडियन इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर अंडर जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं सो दैट डिफरेंट प्रोग्राम्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं और सबके अलग अलग प्रोग्राम हैं तो बस आपको ये याद रखना है कि इस बार सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे बनाया गया है और उस ओकेज़न पर क्या जो थीम रखी है दैट इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव ओके तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव तो दैट तो इज वृक्षारोपण अभियान सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वृक्षारोपण अभियान ठीक है सो द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन इंडिया लॉन्च द वृक्षारोपण अभियान दैट इज प्लांटेशन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव यूनियन मिनिस्टर जो कोल माइन्स के हैं एंड पार्लियामेंट एंड पैरा सॉरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं दैट इज़ प्रहलाद जोशी सो पी फॉर प्रहलाद एंड पी फॉर पार्लियामेंट आप ऐसे लर्न कर सकते हो कोल एंड माइन्स की भी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस लोक मान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लोक मान्य तिलक जो नेशनल अवार्ड है वो किसको दिया गया है ये जो है फाउंडर एंड चेयरपर्सन है एस एस आई के दैट इज सॉरी एस एस आई एस आई आई दैट इज़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं दैट इज़ साइरस पूनावाला इनको मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने कोविशील्ड बनाई है उसका जो हेड क्वार्टर है वो है पुणे में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव महात्मा गांधी वुड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस कांग्रेसियल गोल्ड मेडल कॉन्ग्रेंशियल गोल्ड मेडल बाय विच कंट्री तो पार्लियामेंट ऑफ दैट यू एस ए इज़ नोन एज कांग्रेस सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यू एस ए सो जो कांग्रेंशियल गोल्ड मेडल है टू महात्मा गांधी इज अ रिलीज रिकोगनाइजेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस तो उसके लिए दिया गया दिया जाएगा इनको कांग्रेन कांग्रेसनल गोल्ड मेडल सॉरी फॉर रॉन्ग प्रजेंसी गाइज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वॉट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च रिसेंटली बाय द पी एम नरेंद्र मोदी जो न्यू डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है दैट इज ई रुपए सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ई रूपी नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज विच स्टेट रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर जीका वायरस केस तो जीका वायरस केस सबसे पहले महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जीका वायरस के बारे में बस इतना याद रखना है कि ये जो है एडीज मॉस्किटो से फैलता है सो so, एडीज मॉस्किटो इसका पैथजन है Next is question number 38. Which country, along with China, Pakistan, Mongolia, will take part in the first multinational peacekeeping live exercise that is Shared Destiny 2021 in September? सो चाइना पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं ही उसके साथ साथ मंगोलिया एंड थाईलैंड सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर चाइना पाकिस्तान तो ईजिली लर्न हो जाएगा जहाँ चाइना वहाँ पाकिस्तान सो चाइना पाकिस्तान मंगोलिया थाईलैंड सो ये चारों कंट्रीज़ मिलके शेयर्ड डेस्टिनी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही हैं सेप्टेम्बर में ओके okay? तो नाम क्या है शेयर्ड डेस्टिनी नेक्स्ट इज वॉट इज द बिगारा विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कोस्ट गार्ड गरा क्या है ये एक ऑफसोर पेट्रोल वेसल है शिप है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वॉट इज द ओनली हु इज द ओनली फेंसर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द ओलम्पिक सिंस द फेंसिंग स्पोर्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड जब से फेंसिंग स्पोर्ट्स जो तलवारबाजी का जो खेल इंट्रोड्यूस हुआ है ओलंपिक में उसमें उस तब से अब तक जो पहली ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया की तरफ से फेंसर जो है दैट इज़ भवानी देवी सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर Next is question number 41. Which of the following city has become the first city to receive the 100% COVID-19 vaccine? Very, very important question for you guys. Very important. The question. Hai, like uh, first in the in, first in India, which is related to current affair, along with लाइक फर्स्ट दैट इज़ समथिंग इंट्रोड्यूसड इन इंडिया जैसे आपको पता है कि पहली जो uh, ऐसी कौन सी रेलवे जोन है जो, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हुई है तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे ये आपके एम एन में इस साल क्वेश्चन पूछा गया था तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हटके हैं एंड कुछ नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो पहली सिटी जो कि 100 परसेंट कोविड 19 वैक्सीनेशन uh, जिसमें हो गया है दैट इज़ भुवनेश्वर उड़ीसा में है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पिंक प्रोटेक्शन स्कीम फॉर वुमेन्स तो ये केरला की जो पुलिस है स्टेट पुलिस उसने ये उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द वुमेन्स सेफ्टी दैट इज़ पिंक प्रोटेक्शन सो वुमेन सेफ्टी के लिए केरला पुलिस ने लॉन्च किया है पिंक प्रोटेक्शन द केरला पुलिस लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल द पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सीनियर बीजेपी लीडर कल्याण सिंह पासड अवे एट एटी नाइन ही वॉज सर्व टाइज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट तो कल्याण सिंह रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है तो ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे प्रीवियसली तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के ये दो टाइम चीफ uh, मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 दिसंबर से लेकर 1992 एंड देन सितंबर 1997 से 1999 तक तो ही है सब द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ट्वाइस तो ये भी इंपॉर्टेंट है ऑबरीज से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच कंट्री टेस्ट लॉन्च एन इंडिजीनियस डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम दैट इज फतेह तो ये जो रॉकेट है वो किसकी है पाकिस्तान की ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फतेह इज़ द रॉकेट ऑफ पाकिस्तान वेर एज जो बाबर गजनवी एंड साहन वन ए है ये मिसाइल हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन विच इन इंडिया तो जो पोषण माह है दैट इज़ पोशन वीक एक्चुअली ये जो सेलिब्रेट किया जा, जाता है दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेप्टेंबर पोषण अभियान पी एम ओवर रीचिंग ओवर रेचिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशमेंट नरिशमेंट सो सही पोषण देश रोशन रिलेटेड टू पोषण अभियान नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वेयर डिड द बायलिट्रल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएई नेवी टुक प्लेस तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है बस आपको ये याद रखना है कि जो जायद तलवार है ये इंडिया और यूएई की नेवी के बीच में एक्सरसाइज है बायलेटरल एक्सरसाइज ठीक है जायद मेडल जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बाय द यू गवर्नमेंट तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं और ये जो जायद मेडल है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है ठीक है तो जायद तलवार इज द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यू ए के दुबई के अंदर जो लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन व्हील है वो भी सेटअप किया गया है जो कि अक्टूबर में ओपन होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इन विच कंट्री मांगदेचू देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड विद ब्र्यूनल मेडल सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट किस मेडल को कौन सा कौन सा मेडल दिया ज, गया है द इम्पॉर्टेंट इज़ जो मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इंडिया इसमें इसको सेटअप करने में हेल्प कर रहा है सो so, मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन भूटान ऐसे ही जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको इंडिया मदद करेगा सेटअप करने में ये भी कहाँ पर है ये बांग्लादेश के अंदर है तो ये जो इम्पॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं इंडिया से बाहर one is in bhutan that is mangdechu and next is rupur that is in which is in bangladesh so both are important next is women sitting near a window इम्पॉर्टेंट है ये पेंटिंग और इसके पेंटर दैट्स इट ये नहीं पूछेंगे कि ये जो पेंटिंग है ये कहाँ सोल्ड की गई है बेची गई है रिसेंटली तो ये न्यूयॉर्क में आ, बेची गई है और ये किस ये किस पेंटर ने बनाई है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है पैब्लो पिकासो सो पैब्लो पिकासो की ये फेमस पेंटिंग है वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो दिस इज द पेंटिंग बाय पैब्लो पिकासो पैब्लो पिकासो स्पेन के हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन हु हैज गिविन द थ्री ईयर एक्सटेंशन एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एन सी डब्ल्यू तो जो चेयरपर्सन बनी है जिनको तीन साल का एक्सटेंशन मिल गया है इसका करेक्ट आंसर है रेखा शर्मा सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ऑन इंडिया सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच मिशन सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड ऑन नेशनल हाइड्रोजन मिशन विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एनर्जी ग्रीन एनर्जी ऑल्सो नोनेस सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेशनल हाइड्रोजन मिशन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लेपर डायरीज द रॉजिट इन इंडिया लेपर डायरीज ये जो बुक है वो किसने लिखी है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज संजय गोभी गोभी सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर संजय गोभी संजय गुबी इज अ साइंटिस्ट कंजर्वेशनलिस्ट एंड राइटर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वेयर डिड द फर्स्ट एवर जी ट्वेंटी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट हेल्ड। सो क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है इसलिए मैंशन किया है मैंने वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है सो जी ट्वेंटी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इम्पावरमेंट हेल्ड इन दिल्ली सॉरी इन इटली सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो है स्मृति ईरानी सो ठीक है स्मृति ईरानी इज द करेक्ट आंसर जो कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक आर्मी के जो जनरल हैं वो अपॉइंट किए गए हैं म्यन्मार के सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मिन आंग हेल्गेंग मिन आंग हेलिंग टेक ओवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ म्यन्मार ये चीफ हैं एंड सीनियर जनरल हैं मिलिट्री के म्यांमार मिलिट्री से एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार कैपिटल है नाइपी देव एंड करेंसी है क्या नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज नेम्ड अल मोहीद अल हिंदी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज कंडेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी अल मोहीद अल हिंदी क्योंकि ये पहली नेवल एक्सरसाइज है मेड इन नेवल एक्सरसाइज इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यू नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओमान ओके सॉरी सऊदी अरेबिया सॉरी करेक्ट इज़ सऊदी अरेबिया ओके सो अलोदी अल हिंदी मोहिद अल हिंदी इज़ द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया लगा है ओमान के साथ एक्चुअली सो इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आई एन एस कोची वीज सऊदी अरेबिया आई एन एस कोची ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में क्योंकि पहली एक्सरसाइज है तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है करेंसी है सऊदी अरेबिया की रियाद एंड करेंसी है रियाल द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला में जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो सऊदी अरेबिया ही है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वेयर इज द इंडियाज फ्लैगशिप मिलिट्री एग्जीबिशन डेफ एक्सपो हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो डेफ एक्सपो जो मिलिट्री एग्जीबिशन है वो कहाँ हेल्ड किया गया है सो so, इसका करेक्ट आंसर है गांधीनगर गुजरात के अंदर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गांधीनगर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स वेयर डिड एन टी पी सी लिमिटेड कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पी वी प्रोजेक्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव मेगावाट तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है ये सेटअप किया गया है कहाँ पर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर द इस पी डी एफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम चैनल सो जॉइन टेलीग्राम चैनल नेम्ड एम एन एस प्रैप ओके एम एन एस प्रैप आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना वहाँ पर मैं पी डी एफ प्रोवाइड कर दूंगी ऑलरेडी जुलाई मंथ की जो पी डी एफ है मैंने प्रोवाइड कर दी है यू कैन चेक ऑन टेलीग्राम तो इसका नाम जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर जो प्लांट है इसका नाम है सिमहाद्री थर्मल स्टेशन इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सॉरी ब्रोंज जीता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो so, लोवीना बॉर्गेहन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक इन विच स्पोर्ट्स इवेंट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बॉक्सिंग ओके बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रोंस जीता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑन साइट्रेक्स एनअल रैंकिंग जो एयरपोर्ट की रैंकिंग है उसमें जो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है दट इज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहाँ का है यह है दोहा दोहाज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑन द सेंट्रेक्स एनअल रैंकिंग स्नैचिंग द टॉप पोजीशन फ्रॉम सिंगापुर सिंगापुर का पहले टॉप पोजीशन पर था चांग चांगी एयरपोर्ट अब जो है वो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट नेक्स्ट इज अलबहार अलबहार ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कतर दैट इट ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें सेकेंड एडिशन कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड एडिशन है फर्स्ट एडिशन है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जैर जा, अल बहार एज अ वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्री सो दिस इज बिटवीन इंडिया एंड कतर सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इंडिया एंड कतर की जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जैर बहार कतर की जो कैपिटल है दोहा एंड करेंसी है रियाल सऊदी अरेबिया की भी कैपिटल जो करेंसी है वो है रियाल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी लास्ट क्वेश्चन हु वॉज अवार द नॉट लास्ट क्वेश्चन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन हैं सो हु वॉज अवार्डेड एज द नेशनल यूथ अवार्ड बाय द यूनियन यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इन दिल्ली फॉर डिस्प्लेंग एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटीज तो नेशनल यूथ अवार्ड ये किसको दिया गया है बाय द यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है अनुराग सिंह ठाकुर ये भी इम्पोर्टेंट है तो ये नेशनल यूथ अवार्ड्स किसको दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद आजम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन व्यू वन फीचर ये एक नया फीचर आया है व्हाट्सएप का सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जिसमें आप चाह सकते हो कि आपके जिसको भी आपको ये पिक दिखानी है जो भी आपको फोटो दिखाना है मीडिया दिखानी है आप अगर चाहते हो कि वो एक ही बार ओपन हो तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो सो विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द व्यू वन फीचर इन विच फोटो एंड द वीडियो विल बी डिलीटेड फ्रॉम चैट वंस ओपन बाय द रेसिपियंट थ्रू दिस फीचर तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच मिनिस्टर लॉन्च्ड सोन चिरिया अ ब्रांड एंड लोगो फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जो कि अपना जो छोटे वर्क करते हैं आई I वी mean, जो अपना बिजनेस है वो स्मॉल लेवल पे करते हैं तो जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए आ, किस मिनिस्टर ने किन, किस किस मिनिस्ट्री ने जो लोगो है वो लॉन्च किया है एंड एक ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सोन चिरिया सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो ब्रांड है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट इज सोन चिड़िया नेक्स्ट एज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पी एम दक्ष पोर्टल एंड पी एम दक्ष मोबाइल एप आर डेवलप्ड बाई विच मिनिस्टर टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स स्कीम्सबल एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप्स अब मिनिस्ट्री जो यूनियन मिनिस्टर्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट यू नो स्कीम्स हैं या पोर्टल्स हैं या एप्स हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर फील्ड से जो कि इंपॉर्टेंट है लाइक like एजुकेशन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है ना तो इसलिए वो क्वेश्चन आपके एम एन एग्जाम में बनते हैं तो ये किससे रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो आपसे एम एन में या तो ये पूछेंगे कि किस फील्ड से रिलेटेड है या फिर पूछेंगे किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है स्कीम तो जो पीएम दक्ष है ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है सोशल जस्टिस सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये लॉन्च किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए पीएम दक्ष पोर्टल और इसके मिनिस्टर कौन है वीरेंद्र कुमार ओके okay? अनुराग अनुराग सिंह ठाकुर ये कहाँ ये किसके मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ओके यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर नेक्स्ट हैज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हु इज नेम्ड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ईरान में पहली बार किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद मुखा मुखेबर सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मुखाबर मोहम्मद मुखाबर बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ईरान की जो कैपिटल है तेहरान करेंसी है रियाल रियाल ठीक है यहाँ के जो एट्थ जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के दैट इज़ इब्राहिम रहीसी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इब्राहिम रहीसी स्वान इज एन एज द इनानस एथ प्रेसिडेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव लास्ट क्वेश्चन अ बुक द अर्थ स्पिनर हैज़ बीन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस नोवलिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं अगेन दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक तो यू नो छोटा नाम है जब आपने देखा होगा एमिनेंस में जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो बहुत लेंदी नेम के नहीं आते हैं बहुत कंसाइज जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो पूछे जाते हैं आपसे तो क्योंकि ये स्मॉल uh, ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है जो बुक है द अर्थ स्पिनर ये किस फेमस नॉवलिस्ट की बुक है सो so, इसका करेक्ट आंसर है अनुराधा रॉय सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर अनुराधा रॉय वेरी इंपॉर्टेंट नौ लास्टली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया की तरफ से जो मेडलिस्ट हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं सेवन मेडल्स जीते हैं इंडिया ने जिसमें एक गोल्ड है दो सिल्वर हैं और चार ब्रॉन्ज हैं ठीक है थीके? तो ये जो एक गोल्ड मेडल है जिसकी वजह से इंडिया बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था हाईलाइट रहा था बिकॉज ऑफ दिस दैट इज़ नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो तो से हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नेक्स्ट इज़ रवि कुमार दहिया जो रवि कुमार दहिया रेसलर हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से हैं सिल्वर तो ये सिल्वर दो मेडल हो गए जो इंडिया की तरफ से आए हैं ठीक है थीके? उसके बाद चार ब्राज़ हैं चार ब्रॉन्ज़ ये सारे चार लास्ट के ब्रॉन्ज़ हैं जिसमें पीवी सिंधु ये वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन ने इन्होंने ब्रांज जीता है और ये पहली फीमेल बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई दो मेडल जीते हैं पिछले बार जो रियो जेनेरो में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है जो लोविना बो बॉर्गेन है जो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन तो ये इन्हों ये किससे रिलेटेड है बॉक्सिंग से रिलेटेड है और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है ठीक है उसके बाद हॉकी हॉकी इंडिया टीम ने ब्रॉन्ज जीता है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये 41 वन ईयर्स के बाद कोई मेडल हम लेके आए हैं तो ये बहुत ही काफ़ी न्यूज़ में था अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है हॉकी इंडिया टीम ने जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और ये जो ओलंपिक में इंडिया की तरफ से मेडल है वो 41 वन ईयर्स के बाद है ओके okay, उसके बाद लास्टली बजरंग पुनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है रेसलिंग के अंदर 65 केजी कैटेगरी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारे प्लेयर्स और इन्होंने कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और क्या इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये इंपॉर्टेंट है तो मेडल में तो सिर्फ गोल्ड तो एक ही ने जीता है नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है आ, है ना और इन्होंने गोल्ड जीता है उसके बाद सिल्वर जो है वो दो ही ने जीता है रवि कुमार दहिया एंड मीराबाई चानू बस इतना याद रख लो आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं बस आप तीन ये याद करो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है जो लोवीना ओके okay, ये ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है बस सो दीज आर सिक्सटी फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारंट अफेयर होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कुछ मैंने चेंजेस किए आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने एक स्लाइड पर एक ही क्वेश्चन लिखा है एंड अगेन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है this may helpful for your exam okay so let me know in the comment box how you like this video okay i am waiting for your response thank you so much